हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो यहाँ पे ये सारे दे रखे हैं पॉइंट्स, क्या क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इन सब के बारे में हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे माउथ में जाता है खाना, जो कि टीथ हमारे होते हैं माउथ में, टंग होती है, इन सब के द्वारा हम लोग उसे च्यू करते हैं। फिर उसके बाद में वो जाता है हमारा फिरनेक्स में। फिरनेक्स में क्या होता है? फिरनेक्स जो है हमारे माउथ के बिहाइंड होता है, माउथ के पीछे होता है, और इसोफेगस के जो है ऊपर होता है फिरनेक्स। फिर फिरनेक्स के बाद वो जाता है हमारा इसोफेगस में। इसोफेगस के द्वारा जो है फिर हमारा स्टोमक में फूट जाता है। और आप ये जो ये लाइनिंग टाइप की देख पा रहे हैं, ये लाइनिंग टाइप का जो ट्यूब है, इसे हम विंड पाइप या फिर ट्रैकिया कहते हैं, जिससे हमारे लंग्स में जो हमारी ऑक्सीजन जो जाती है ना, वो इसी के ज़रिए लंग्स में जाती है। तो अभी हम लोग खैर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में ही पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद में एसोफेगस से हमारा जो फूड होता है वो हमारा स्टोमक में चला जाता है। फिर स्टोमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद में हमारा जो उससे जो है हमारा जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जो स्टोमक में हमारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं ना, उन्हीं से हमारे सिंपलर सब्सटेंसेस में स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा फूड टूट जाता है। फिर उसके बाद में जब वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, तो यहाँ पे ये जो आप पेनक्रिया और गॉल ब्लैडर देखिए, लीवर क्या होता है? सबसे पहले लीवर कहाँ होता है? हमारे स्टोमक के बिहाइंड होता है, स्टोमक के पीछे की ओर होता है, जो जिसमें कि बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, जो कि फैट्स के डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे फैट्स का डाइजेशन मेनली होता है। और वो कहाँ स्टोर होता है? जो बाइल जूस होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर एक टाइप का घर है बाइल जूस के लिए। फिर उसके बाद में बहुत सारे जूसेस, ये पेनक्रियाज जो आप देख रहे हैं, इसमें सिक्रीट होते हैं। और स्टोमक से जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है फूड स्मॉल लम्ब्स में, तो जो है ये गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज जो है, जो जूसेस ये सिक्रीट करते हैं, वो उसमें मिल जाते हैं फूड में। फिर वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पे पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हमारे फूड का। और इसमें इसकी वॉल्स में विली होती हैं, ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स या फिर प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। विली का फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना एब्जॉर्प्शन के लिए फूड के। फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है फूड का और डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा पास हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो भी मेनली वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, जो कि वाटर और साल्ट बचा हुआ होता है हमारे फूड में, वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसके बाद में रेक्टम में जाता है। फिर उसके बाद एनस से हमारा जो फूड होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में सारी चीज़ें, सारे जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, और क्या फंक्शन, कैसे ये करता है, ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।